यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ वैष्णो गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो इस वक्त बिलासपुर से मिल रही है। पीसीसी सचिव महेश दुबे के अपशब्द का मामला अब गर्मा गया है। महेश दुबे ने मुख्यमंत्री को कहे थे अपशब्द मामले में जांच टीम आज पहुंचेगी। कांग्रेस की मंजू सिंह कार्यकर्ताओं से करेंगी पूछताछ। दो जांच अधिकारियों से में से एक मोतीलाल देवांगन नहीं पहुंच पा रहे हैं जांच में। रिपोर्टिंग की कोशिश भी इस दौरान की जा रही है। तो मंजू सिंह कार्यकर्ताओं से पूछताछ करेंगी, कांग्रेस पदाधिकारियों से आज चर्चा करेंगी। तो मुख्यमंत्री को अब शब्द कहे जाने का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो महेश दुबे ने मुख्यमंत्री बघेल को अपशब्द कहे थे मामले में। जांच टीम आज पहुंचेगी, मंजू सिंह इस दौरान कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगी। शैलेंद्र पाठक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आप इस पूरे मैटर को लेकर दे पा रहे हैं इस वक्त? इस मामले में ये है कि जब छठघाट का कार्यक्रम होता है, छठ पूजा की आरती होती है, उसी दिन पहले मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था बिलासपुर में। उनके कार्यक्रम में चूंकि बहुत हड़बड़ी हो गई और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में ज्यादा समय नहीं दे पाया और जल्दी चले गए, लोगों की बहुत लंबी भीड़ थी, हजारों की संख्या में लोग मौजूद। ऐसे में जो कार्यक्रम के बाद पीसीसी सचिव महोदय जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की, अपशब्द कहा, उसको लेकर के शिकायत जो है पीसीसी अध्यक्ष की आंख के दूसरे रूप के नेताओं ने वहाँ पीसीसी अध्यक्ष तक पहुँचा दी और मामला तोल पकड़ लिया। उसके बाद अपने ही पार्टी के नेता जो पहले पीसीसी चीफ रह चुके हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ जैसे एक संपन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं पर इस तरह की टिप्पणी, क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के नेताओं से? निश्चित रूप से ये जो परिस्थितियां हैं ये कांग्रेस के लिए नुकसान दे है निश्चित रूप से, और ऐसे में कांग्रेस का ही जो है वो छवि खराब हो रही है। तो पिछली पीएल पुनिया ने मामले की रिपोर्ट मांगी है और अब जांच समिति भी गठित कर दी, जिसकी जांच को लेकर के दो सदस्यीय समिति गठित की गई, लेकिन उसमें एक सदस्य मोतीलाल देवांगन जो नहीं आ रहे हैं, मंजू सिंह जांजगीर की वो पहुंच रही है। और यहाँ बाद जो कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से और तमाम जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट हाईकमान ऊपर तक जानेंगे तो आज वो पूछताछ करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें सत्यता कितनी है, क्या है इसमें, क्या सबूत जो है वो पार्टी हाईकमान को दिए जा सकते हैं, उसमें वो पार्टी के जो नेता हैं दोनों ग्रुप के नेताओं से जांच में लीपापोती की भी कोशिश की बातें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से मोतीलाल देवांगन नहीं पहुंचे उससे तो यही लग रहा है कम से कम कि कहीं ना कहीं इसमें दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब एक महिला कांग्रेस के लिए कोई ये नई बात नहीं है, जब तक कांग्रेस में गुटबाजी ना हो तो वो कांग्रेस किस काम की कहलाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।